हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स जैसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। लेट एंड ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/3। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है। तो कैसे हम लोग सोचते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, तो इसी को बताने के लिए मैंने ये लेक्चर किया है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पहले तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते किसे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते उसे हैं, उन इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं जिनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता। जैसे दो डाइस फेंक दो तो दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तुम 10 कॉइन्स को फेंक दो, सबको तो सब पर हेड आएगा, टेल आएगा, क्या आएगा, एक पर क्या हो रहा है उसका दूसरे से कोई संबंध नहीं, दूसरे पे क्या हो रहा है उसका बाकियों से कोई संबंध नहीं। तो किसी का किसी से जब कोई संबंध ना रहा करे, ठीक है, जो आउटकम्स हो रहे हैं तो हम उसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। अब जैसे एक डाइस है, उसको फेंक दिया तो उस पर 1 आएगा तो 6 पक्का नहीं आएगा, और 6 आएगा तो 1 नहीं आएगा। तो 6 का आना 1 के न आने को इंडिकेट कर रहा है, 1 का आना 6 के नहीं आने को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सब डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। जब एक का आना दूसरे के आने ना आने पर कोई भी प्रभाव डाल दे तो उसे डिपेंडेंट इवेंट्स कहेंगे, ठीक है। और एक का आना ना आना दूसरे के आने ना आने पर कोई प्रभाव ना डाले, कोई प्रभाव ना हो, तो उसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जैसे दो डाइस को फेंका दोनों पर 6 आ जाए, तो ऐसा जब दोनों पर कोई एक ही काम हो रहा हो और वो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों प्रोबेबिलिटी को जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो दोनों पर वो घटना घट जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। जैसे आपने दो डाइस फेंका, ये दोनों डाइस है, दोनों पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई 6 दोनों पर आ जाए, दोनों पर 6 आ जाए, तो इसका आंसर होगा 1/6 × 1/6 समझ में आ रही बात? एक जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं और हमारे कहे अनुसार घटित हो जाएं दोनों, तो इसका चांस बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे दो बच्चे एग्जाम देने गए और दोनों 80% के ऊपर स्कोर कर लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 1/10 है। पहला वाला बच्चा 1/10 प्रोबेबिलिटी है कि 80% के ऊपर स्कोर कर लेगा, दूसरा बच्चा भी उसमें 80% के ऊपर स्कोर कर लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 1/10 है। दोनों एग्जाम देने गए तो क्या प्रॉबिलिटी है कि दोनों के दोनों ही 80% के ऊपर स्कोर करेंगे, ऐसा आइडिया लगाना हो तो इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी? 1/10 × 1/10। भाई पहला बच्चा 1/10 प्रॉबिलिटी है कि 80% के ऊपर स्कोर करेगा, ठीक है, 1/10 हो गया मान लो। अब दूसरा वाला करे ना करे उसकी मर्जी, मतलब उसके ऊपर है, ठीक है। तो 1/10 × 1/10 दोनों हमारे अनुसार हो जाए, स्वतंत्र घटनाएं हमारे कहे अनुसार घटित हो जाए, इसके लिए हमें जो है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दोनों पर एक ही जैसी घटनाएं घट जाएं तो हमारे कहे अनुसार हो जाए ये चीज़, हाँ, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो एक ही तरह की घटनाएं दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर हो जाएं तो जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसे कह दिया जाए कि हमारे कहे अनुसार इंडिपेंडेंट इवेंट्स घटित हो जाएं तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसको एक दूसरे तरह से लो, जैसे मान लो एक कॉइन है और एक डाइस है, ठीक है। जब दो डाइस फेंका तो हमने एक ही तरह की चीज कह दी कि भाई दोनों पर 6 आ जाए, दोनों पर 1 आ जाए, एक तो बात ये हो गई। अब अगर मान लीजिए एक कॉइन है और एक डाइस है, ठीक है, अब दोनों को फेंका गया, अब इस कॉइन पर हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है, इसका डाइस से क्या लेना देना? तो कॉइन पर हेड या टेल का डाइस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, क्या आ रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमने अब कह दिया कि कॉइन पर हेड आए और इस पर 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अरे भाई कॉइन पर हेड आ जाए और जो है जो डाइस है उस पर 6 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमें पता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और यहाँ पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि हेड कॉइन पर हेड आ जाए और डाइस पर 6 आ जाए, ये हमारे कहे अनुसार घटित हो जाए। हम चाहते हैं कि इस पर हेड आ जाए, हम चाहते हैं कि इस पर 6 आ जाए, तो हमारे कहे अनुसार दोनों ही काम कर दें तो इसके लिए आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं। पहले तो यही चांस को बहुत कम कर देगा, और जब ये 1/2 आ ही गया है तो इसके बाद डाइस भी बैठा हुआ है इसका चांस कम करने के लिए, क्योंकि डाइस में 6 में से 1 केस को घटित हो रहा है,
समझ में आ रही बात? तो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो कभी भी ऐसा कुछ करना होता है तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। चलो अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। और वेन डायग्राम के बारे में तुम लोग को तो अच्छे से पता है ही, और थोड़ा सा मैं इसको और बता देता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए ए और बी दो इवेंट्स हैं, ठीक है, देखो ये ए और बी दो इवेंट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ये बीच वाला, ठीक है, ये ए है और ये बी है, दो इवेंट्स हैं ए और बी, तो ए और बी का जो कॉमन वाले पोर्शन की प्रॉबर्टी 1/5 है, और ए की प्रॉबर्टी 1/3 है, तो जाहिर सी बात है इसकी प्रॉबर्टी 1/3 दे रखी है, सही है। और मैंने इसको यहाँ पे 1/3 नहीं बनाया, अगर मैं यहाँ पे बनाता तो ऐसा लगता कि इतने की प्रॉबर्टी है ए इतने इतने पोर्शन की, और ऐसा नहीं है, इसलिए मैं इसको सर्कल के ऊपर से ऐसा खींच दे रहा हूँ, ठीक है। तो ए की प्रॉबर्टी 1/3 है, कॉमन की प्रॉबर्टी 1/5 है, और आपको ये निकालना है प्रॉबर्टी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। प्रॉबर्टी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? ए बार का मतलब होता है ए के बाहर जाओ, ठीक है, ए बार का मतलब ए के बाहर का कॉमन बी से लेना है। अब इसमें ए के बाहर का कॉमन बी से लेना है तो जाहिर सी बात है ए के बाहर का कॉमन बी से तो इतना ही पोर्शन है ना, देखो ध्यान से, ए के बाहर रहना है तो ए के बाहर तो बहुत कुछ है, पर बी से कॉमन भी लेना है, ठीक है, अरे सॉरी, ए के बाहर का बी से कॉमन लेना है तो जाहिर सी बात है हम इतने पोर्शन में आएंगे, ठीक है, ए के बाहर जाना है बी के अंदर रहना है तो इतने पोर्शन, मतलब तुमसे इसकी प्रॉबर्टी पूछी गई है इतने पार्ट की। तो पहला जो क्वेश्चन है वो इस वाले पोर्शन के लिए है कि आखिर उसकी प्रॉबर्टी क्या होगी। तो बच्चों वेन डायग्राम से तो पता चल गया कि आखिर आपको कौन सी प्रॉबर्टी, ए पर बार साइन का मतलब होता है ए निगेशन, ए के बाहर जाना है, ठीक है, तो अब ए के बाहर और बी के अंदर इसकी प्रॉबर्टी निकालनी, तो मतलब अगर पी वी भी निकल आता तो पी वी में से हम इतना घटा लेते, मगर पी वी तो यहाँ पता ही नहीं है, पता चल जाएगा, अरे भाई इंडिपेंडेंट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटू प्रॉबर्टी ऑफ बी कर देंगे और इससे हमें सारा फायदा मिल जाएगा। ये 1/5 दिया हुआ है, प्रॉबर्टी ऑफ ए 1/3 दिया हुआ है, प्रॉबर्टी ऑफ बी निकल आएगा, प्रॉबर्टी ऑफ बी कितना हो गया 3/5, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉबर्टी 3/5 है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स ने हमें, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ये जो डाटा दिया हुआ था इसने हमारी बहुत हेल्प करी। तो एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आया करे ना तो उसकी एक एक वर्ड पे ध्यान दिया करो कि उसमें क्या लिखा हुआ है, जरा सा इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है उसने पूरी कहानी पलट दी और ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया। जब कभी दो प्रॉबर्टीज को मल्टीप्लाई करने पर दोनों के कॉमन की प्रॉबर्टी निकलने लगे तो इवेंट जो ए और बी इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। फिलहाल पी वी बराबर 3/5 है, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? अरे भाई ये पूरा का पूरा 3/5 है, मतलब इस पूरे की प्रॉबर्टी 3/5 है, उसमें से अगर इतना घटा दें तो इतने की प्रॉबर्टी आ जाएगी ना, तो पहला वाला आंसर क्या है 3/5 - 1/5, समझ में आ रही बात, और ये कितना बन जाएगा 2/5, करेक्ट। तो 3/5 में से आपने 1/5 घटा दिया और आपका आंसर 2/5 आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रॉबर्टीज को। अब प्रॉबर्टी ऑफ ए यूनियन बी पूछा गया है तो प्रॉबर्टी ऑफ ए यूनियन बी के लिए कोई टेंशन ही नहीं है हमें, क्यों नहीं टेंशन है, क्योंकि एक फार्मूला आता है ना हम लोगों को, कौन सा फार्मूला होता है याद है? अरे वो वाला प्रॉबर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉबर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद है, बस इस फार्मूले का यूज़ कर देंगे हो जाएगा। ए और बी का यूनियन मतलब होता है ये पूरा, समझ में आ रही बात, इसकी पूरी पूरी प्रॉबर्टी आपको बतानी है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरा कंप्लीट प्रॉबर्टी बतानी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, हम इतना जोड़ेंगे और एक बार इसको घटा देंगे ताकि एक बार जोड़ने का इफेक्ट आए। जब हम इसको और इसको जोड़ देंगे, प्रॉबर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉबर्टी ऑफ बी कर देते हैं, तो बीच वाला जो पोर्शन है दो बार जुड़ जाता है, उसको एक बार घटा देते हैं। तो फिलहाल प्रॉबर्टी ऑफ ए कितना है, प्रॉबर्टी ऑफ ए 1/3, प्रॉबर्टी ऑफ बी कितना है 3/5, प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/5, अरे ए और बी का कॉमन क्या है 1/5, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा, ये आ जाएगा 11/15, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए था, जब कभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ जाए
तो आप वहां पर तुरंत मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ऐसा कुछ दिया हुआ हो प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप तुरंत इसे प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटू प्रॉबर्टी ऑफ बी इंटू प्रॉबर्टी ऑफ सी कर लेंगे, ठीक है। अगर ए बी सी तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो तुरंत इस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग इन सब चीज़ों को, इन सब सारे जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, इन सबको नोट कर रहे होंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के समय रिवाइज़ करने में आसानी हो, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।